जैसे जैसे टॉप पे आ रहे हैं थक पे हारते चढ़े जा रहे हैं। और यहाँ देखिए एकदम खड़ा चढ़ाई है, क्या बात है, बोले हैं सीढ़ी नहीं चढ़ना। यहाँ से दूर में वहाँ पे है सोफा स्टॉप, सो हम लोग डाउन रोप वे से जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम गिजकुर पर्वत को देखे और फिर वहां से निकले हैं रत्नगिरी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए जहां पर विश्व शांति स्तूप है। मेन है कि रोपवे से तो जाना आसान होता है पर पैदल जाने का एक्साइटमेंट या मजा अलग ही है, इसलिए हम लोगों ने सोचा था पैदल जाने का। तो अब हम लोग जो वहाँ से आए हैं फिर उस रूट में चल गए जो विश्व शांति स्तूप की तरफ जाता है और यहाँ पे से अब चढ़ाव शुरू हो जाता है। आप यहाँ से जाइएगा फिर आइएगा फिर जाइएगा, मैंने जिग जैग टाइप का है, बीच में से शॉर्टकट भी मिलती है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। आइए शॉर्टकट ही एक बार अपनाते हैं। ऐसे आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो इस टाइप से मत करिएगा, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा थकावट वाला होगा। आप ऐसा करिएगा रोपवे से ऊपर चले जाइएगा, विश्व शांति स्तूप देखिएगा, फिर वहाँ से पैदल नीचे की ओर आइएगा क्योंकि उतरना चढ़ने से आसान होती है। पर यहाँ पर हम लोग उल्टा करने वाले हैं, हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं पैदल और उतरेंगे रोपवे के द्वारा। अभी एक शॉर्टकट लिए यहाँ सीढ़ी आ रहा है, सीढ़ी से फिर इधर से जाना होगा, ऊँची ऊँची स्टेप हैं और फिर यहाँ से एक शॉर्टकट आप ले सकते हैं। नॉर्मली दोनों ऊँचाई है, आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो रोड का तो टेंशन मत लीजिएगा, रोड मिलेगा, रोड यहाँ पे नहीं मिलेगी, शॉर्टकट रोड तो सरकार बनाई है। और यहाँ देखिए एकदम खड़ा चढ़ाई है, तो अगर आप ये चढ़ लेते हैं तो बहुत जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक भैया मिले जो नींबू पानी बना कर देते हैं थोड़ा बहुत बैटरी चार्ज करने के लिए, क्योंकि सभी टायर्ड हो गए भैया। और कितना स्टेप बाकी है? अभी तीन बार ऐसा, तीन और है कहाँ कहाँ, अभी ऐसा तीन और है चढ़ने के लिए, आधे घंटे में से फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ से नींबू पानी वगैरह मिलने लग गया, देखिए पीछे हम लोगों ने पिया, यहाँ पर भी नींबू पानी मिल रहा है और लगता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। हाउ इज द जोश? मीडियम। जोश मीडियम। कैसा लग रहा है आपको? अब लगभग पहुंच गए हैं, दो स्टेप और है। सेल्फी डाई थका हारा मरा हुआ सेल्फी मिस्टर श्रेयस को क्या हुआ? सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना, बाकी कुछ भी बगल से था रास्ता। जैसे जैसे टॉप पे आ रहे हैं थकते हारते चढ़े जा रहे हैं। इट इज 2:30। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नहीं पहुंचे अभी। आप भी बैठ गए, क्या बात है, बोले हैं सीढ़ी नहीं चढ़ना, सीढ़ी नहीं चढ़। तो हंसते खेलते हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर रोपवे के भी यही लोग उतरते हैं। यहां पर आपको खाने पीने का काफ़ी सामान मिल जाएगा। यहां से हम लोग पानी लेंगे, पानी नहीं मिलने के चलते डिस्चार्ज हो गए थे, रिचार्ज होंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। How are you feeling, man? Amazing! पानी के बाद और रिचार्ज हो गए। We are, this is the lift center, जहां पे लोग आते हैं और लिफ्ट उतरते हैं। तो हम लोग सुबह ही निकले थे और बीच में हमें कुछ खाने का मौका नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर कुछ नाश्ता टाइप का कर लेते हैं। ऐसे ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे झाल मुड़ी मिल सकती है, मैगी मिल सकती है, तो हम लोग झाल मुड़ी और मैगी बनवाते हैं। छोड़ दो, नाम क्या?
वन पीस का वन कंटेनर मैगी कितने की है भाई? 50 रुपए। और अभी हम लोग जानते हैं जैसे कि अभी हम लोग ऑर्डर किया है अभी एक मैगी और एक भेलपूड़ी, और अभी भाई अभिषेक नाम का बंदा भी बना रहा है भेलपूड़ी इस स्टॉल में। तो आई एम डन विद दिस। देखिए यहीं पर लाइन जो लगा हुआ है ये रोप वे का लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा और रास्ता है पैदल जाने का, जो आप चाहिएगा तो पहुंच जाएगा टेंपल के पास। यहाँ से ज्यादा भीड़ मिलने लगेगी क्योंकि रोप वे से जो लोग आते हैं यहीं पर उतरते हैं और यहाँ के बाद यहाँ से पैदल जाते हैं। काफी यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही है, दुकान भी काफी दिख रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं इस टेंपल के गेट के अंदर। थकते हुए, हालत खराब होते हुए, पानी का प्यास सब कुछ होते हुए हम लोग आखिर पहुंच गए हैं विश्व शांति स्तूप। यहाँ पर उसका बोर्ड लगा हुआ है और सामने में दिख रहा है शांति स्तूप, जो काफ़ी यहीं से काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, वाइट कलर का काफ़ी अच्छा। यहाँ पर नॉर्मली पहाड़ है तो पहाड़ी एरिया ही जैसा दिख रहा है। कुछ स्तूप उधर बने हुए हैं जो लोग कुछ मानता रहता है, पूरा हो जाता है या कोई एक्सपायर कर जाता है उसके लिए वहाँ पर स्तूप बना हुआ है। शांति स्तूप चलेंगे पर तो उसके पहले आपको इस एरिया को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैदान जैसा समतल बना हुआ है। VIP के लिए यहाँ पर एक हेलीपैड बना दिया है, साथ में यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया गया है जैसे आपको आगे में दिख रहा होगा। अभी तो चलिए पूरा विश्व शांति स्तूप को घूमते हैं और जैसा जैसा कुछ कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। एक नज़र देखिए विश्व शांति स्तूप, अभी इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ आपको काफ़ी संख्या में लोग मिल जाएंगे इसको देखते हुए, इसको निहारते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए। यहाँ कई आपको फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे जो आपका फ़ोटो खींच के 5 मिनट में ही आपको दे देते हैं। तो आप यहाँ पर कैमरा लेके नहीं भी आए हैं तो आप यहाँ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और अगर कैमरा लेके भी आए हैं तो एक निशानी के तौर पर उन लोग से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं जो आपको एक A4 साइज में प्रिंट करके दे देगा। ऊपर चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा बहुत तो अभी क्राउड हो चुका है। तो हम लोग शांति स्तूप के ऊपर फर्स्ट स्टेज पे आ गए हैं। यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। स्टेप आउट पर है, वहाँ भी हम चलते हैं। तो हम लोग विश्व शांति स्तूप के सेकंड स्टेज पे आ गए, मैंने 3 स्टेज में बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको एकदम उसका बेस्ट लुक दिखेगा, बहुत सुंदर सा जो विश्व शांति स्तूप है वो है। देखिए एक नज़र, आप इसको चारों तरफ से देख लीजिए और उसके बाद आपको बताते हैं। स्तूप के चारों दिशाओं में बुद्ध के सुनहरी मूर्तियां बनी हुई है जो उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है, और वही मूर्तियां इस स्तूप को और ज्यादा मनमोहक बना देती है, सुंदर बना देती है। शानदार सफेद स्तूप 120 फीट लंबा है जिसका कुल व्यास भी लगभग 103 फीट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आराम करते हैं जब तक आप एक टाइम लैप्स का वीडियो देख लीजिए। एक जापानी बौद्ध टेम्पल भी है। आइए, जो बौद्ध टेम्पल है यहाँ सब धर्म के शांति के लिए हमेशा प्रार्थना की जाती है, और यहाँ पे जाने पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अभी लेके चलते हैं आपको वहाँ पे। तो ये है बौद्ध टेम्पल जिधर हम लोग जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए।
आपको दिखाते हैं बोर्ड टेम्पल में कैसे क्या हो रहा है। अरे एक प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर लिख रहा है कैमरा मोबाइल वीडियो नॉट अलाउड, तो यहीं से आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए इस टाइप का है, शांति स्तूप तो हम लोग देख लिए और उसके आसपास में कुछ छोटे छोटे और चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे एक वहाँ बड़ा सा घंटा है, लोग वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं सेल्फी करते हैं, और आगे में भी एक पॉइंट है, दोनों हम देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। आइए अभी बिल के पास आए थे, बहुत सोच के कि फोटो खिंचाएंगे, तो आपको बाहर में ही ताला लगा, अंदर भी तो बिल ना बजे इसलिए ताला लगा हुआ। बहुत बढ़िया, सरकार कोई भी चीज़ को बचाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है कि इसके तरफ घेरा लगा दी। यहाँ पर हमने अभी इतना देर में देखा, ये वीडियो बनाने से पहले सोचा कि लोग भीड़ ख़त्म कर दे तो हम यहाँ पर वीडियो बनाएं। यहाँ पर कई लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये बंद है तो पर भी इसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अभी मैंने एक बच्चा को देखा फ़ोटो खिंचा रहा, थोड़ा सा पीछे ऐसे मुड़ गया, ये देखिए क्या है, थोड़ा सा पीछे जाने पर ये गड़ जाएगा। प्रशासन जो सुन रहे हैं देख रहे हैं तो कम से कम इस चीज़ को ऊपर की ओर कर दे या हटा दे, घेरा रहने दे, लेकिन ये नोखीला चीज़ जो है खतरनाक चीज़ है उसको हटा दे। तो यहाँ से तो निराश हो गए, कम से कम बाहर में तो ताला नहीं रहना चाहिए, लोग उसके आप पास जाए और फोटो खिंचाए। अब देखें सेकंड प्लेस पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ उसके भाषा में लिखा है जो हम लोग को नहीं पढ़ पाते हैं। हेलो, यहाँ पर व्यू पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है, पूरा राजगीर घाटी का दिख जाता है आपको। यहाँ से आपको वो जो अभी हम लोग गए थे गिरकुट पर्वत वो भी दिख रहा है, देखिए वहाँ पे है नीचे में, यहाँ से दूर में वहाँ पे है अशोका स्तूप। तो हम लोगों ने देख लिया कि रतिनदीप पहाड़ी के ऊपर में हमें दो तीन चीज़ देखने को मिली, विश्व शांति स्तूप, बौद्ध टेम्पल और जाइंट वेल। तो ये सब देखने के बाद हम लोग का टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग को लौटना है इस बार रोपवे से, और रोपवे 5 बजे तक ही रहती है। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट स्पॉट ऑफ दिस शांति स्तूपा, और ये एकदम लास्ट है। अशोका स्तूपा स्टिल रिमेन्स, वो हम लोग कभी और कवर कर लेंगे। फिलहाल घर जाने का टाइम हो चुका है, 4:30 हो चुका है, लिफ्ट नहीं मिलेगा फिर 5 बजे के बाद। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रोपवे की ओर जाते हैं, क्योंकि रोपवे का भी टिकट भी लेना है। तो हम लोग रोपवे का टिकट ले लिए हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यही लास्ट टाइम है, सभी को इसी समय लौटना है, तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है। टिकट तो हो गए, हमारे 3 आगे और हम 2 पीछे। सो हम लोग डाउन रोपवे से जा रहे हैं। चलिए आखिर हम लोग पहुंच गए हैं रोपवे, जहां से रोपवे के केबिन में बैठना होता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं रोपवे का केबिन में, अभी स्लो स्लो चल रहा है, काफ़ी लोग यहां 8 आदमी बैठते हैं, 8 आदमी हम लोग बैठ गए, तभी इसका आनंद लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो राजगीर के एक और पॉइंट को आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है मेरे साथ, और अभी कुछ पॉइंट और भी बचे हुए हैं, वहाँ जाएंगे ही हम लोग। कैब देखते हुए एक हम लोगों ने प्लान बनाया कि यहीं से कुछ दूर गया के आसपास एक और बहुत ही पुराना कैब है, उसको देखा जाए। तो हम लोगों ने कल का प्लान बनाया वहाँ जाने के लिए, उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे ही, बनाएंगे ही और आप लोग को दिखाएंगे ही। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। How's the experience? मज़ा आ गया, सबसे बड़ा मज़ा तो ये आया कि जो हम लोग पैदल गए थे, पैदल आना ना पड़ा। पैदल क्यों गए थे तो आपको बता ही दिए थे। हम लोग काफ़ी थक गए हैं, अब
चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे भी शाम हो गई है तो अब कुछ तो देखा नहीं जा सकता है। सब लोग हम लोग निकल रहे हैं घर, और नेक्स्ट डे फिर आएंगे जो कुछ जू सफारी नेचर सफारी बचा हुआ उसको कवर करेंगे। अभी रास्ते में हमें थोड़ा सा जाम मिली है क्योंकि अभी सिख धर्म का प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके चलते ये जो राजगीर में गुरुद्वारा है उसके आसपास में कुछ ज़्यादा भीड़ है। और देखिए गुरुद्वारा भी काफ़ी बढ़िया से सजाया हुआ है। तो आज आप लोगों ने देखा कि वीडियो के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए जिससे हमारा मेहनत जो है वो सफल हो जाए। साथ में हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो लोग भी मज़ा ले राजगीर का, राजगीर में क्या क्या है ये सब तो आपको वीडियो के माध्यम से हम बता ही रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए स्थान पर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।